रक्षाबंधन हिंदू समाज के लोगों के लिए एक पवित्र त्यौहार माना जाता है। ये त्यौहार हर साल अगस्त माह में पड़ता है। 2020 में ये पर्व 3 अगस्त को पड़ रहा है, लेकिन इससे पहले राखी को लेकर पेटा को काफी सुनना पड़ रहा है। पशु अधिकार संगठन पेटा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की NGO है जो पशुओं के हित के लिए काम करती है। इंडिया में पेटा 20 साल पूरे कर चुका है और दिन रात बेसहारा पशुओं के लिए काम करता है। लेकिन रक्षाबंधन से पहले पेटा ने जो जागरूकता फैलाने की कोशिश की है, उससे हिंदू धर्म के लोग आहत हुए। सोशल मीडिया पर पेटा के खिलाफ दोहरी मानसिकता का टैग भी लग रहा है। पेटा ने राखी जो एक साधारण धागे से बनती है उसके लिए देश के कई जगहों पर जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। पेटा ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं जिनमें गायों की रक्षा की आवाज उठाई गई है। उनके मुताबिक बहन जिस राखी को भाई के हाथ पर बांधती है वह गाय के चमड़े अर्थात लेदर से बनी होती है, जबकि कोई भी राखी चमड़े की नहीं बनती है। हिंदू धर्म में चमड़े को अशुभ माना जाता है। चमड़ा पहनकर मंदिरों में जाने की भी इजाजत नहीं होती है। ऐसे में इस बैनर को देखकर लोगों का कहना है कि ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक साजिश है। आप भी हमें ये कमेंट करके बताइए कि पेटा की यह जागरूक करने की अपील आपको सही लगती है या गलत। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आज की खबर।